सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नचिकेता द्वार पर बैठा रहा तो जितने जड़ पदार्थ थे, जिनसे मिलने वाले ऐसे सुख जो कभी न छिने, उन पर चर्चा नहीं की नचिकेता ने। यम से पदार्थों की प्रचुरता नहीं चाहिए, अट्टालिकाएं नहीं चाहिए, भूमि विस्तार नहीं चाहिए, वस्तु बहुलता मुझे आकर्षित नहीं कर सकती, धरा का कोई प्रलोभन मेरे चित्त को छू नहीं सकता, और ये स्वर्ग के भी सुख जिनमें मैं मिथ्यात्व देख रहा हूं। अरे देखो तो सही, विचार करने वाला व्यक्ति कहां तक विचार करता है। तो नचिकेता ने जब ये विचार किया कि धरा के सुख क्या, ये स्वर्ग के भी सुख क्षणभंगुर हैं, वे भी तो किसी दिन मिट जाएंगे, मुझे उस पर विचार करना चाहिए जो मिटता नहीं है, जो खोता नहीं है, जो छींचता नहीं है, जिसमें अभाव नहीं है। तो मैं एक ये भी विचार करूं कि जिसमें पूर्णता है। ये पदार्थ अभाव ग्रसित हैं, मृत्यु के मुख में क्षण भंगुर हैं, नश्वर हैं, मिट जाने वाले हैं। तो हमारी संस्कृति एक अवसर तो देती है, इसलिए उपनिषद काल में ऋषियों ने बढ़कर विचार किया और कहा अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, आओ सत्य की जिज्ञासा तो करें, आत्मानुभव करें तो सही। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।